नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन पाठशाला में। आज है 7 अप्रैल 2020 और हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस नेशनल करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। डेली मॉर्निंग मोड कर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमने आज छत्तीसगढ़ में से छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण तथ्य में कौन सा टॉपिक लिया है। देखिए आज के हमारे टॉपिक है कोसा सिल्क कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ है? जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ में। तो ध्यान रखेंगे इसे, कोसा सिल्क कॉम्प्लेक्स जो है जांजगीर चांपा वह रायगढ़ में है। राइस मिल कॉम्प्लेक्स तिल्दा में है, रायपुर एवं धमतरी। ये क्वेश्चन जो है तिल्दा, ये ऑप्शन में कई बार आया है। राइस मिल कॉम्प्लेक्स तिल्दा ऑप्शन में दिया रहता है, ध्यान में रखेंगे ये रायपुर में है। साइकिल कॉम्प्लेक्स जो है सिलतरा रायपुर में है। ये प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स भी आया है, याद रखेंगे प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स ये भी तिल्दा में है रायपुर। आपको इस जगह का नाम भी याद रखना है, सिर्फ रायपुर याद रखने से काम नहीं चलेगा। तो इतने फैक्ट्स आपको आज के लिए ध्यान में रखने हैं, इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर। देखिए पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज करते हुए डॉक्टर या किसी भी कर्मचारी के मृत्यु होने पर कितनी रकम मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो आप देखो इसमें ऑप्शन बी से कन्फ्यूज नहीं होना है। हमने देखा है कि केंद्र सरकार जो है वो है डॉक्टरों को और कर्मियों को जो है उनका इंश्योरेंस कर रहा है 50 लाख रुपए का। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार का, तो दिल्ली सरकार जो है वो 1 करोड़ रुपए देगी। तो ध्यान रखना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है कि निजी और सरकारी कर्मचारियों पर ये लागू होगा। ठीक है, इन्होंने ये कहा है ये जो स्कीम है वो निजी और सरकारी दोनों कर्मचारियों पर लागू होगा। कितना? 1 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने कितने रुपए की मदद राशि दी जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 500 रुपए। ये भी दिया जा रहा है अभी की कंडीशन की वजह से दिया जा रहा है, अभी पूरा जो लॉकडाउन है इस वजह से दिया जा रहा है। देखिए देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से सरकार गरीब महिलाओं के जनधन खाते में हर महीने 500 रुपए डालेगी। सरकार की तरफ से यह मदद की रकम 3 महीने तक दी जाएगी। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस पर बचत खाते खोले गए हैं, इन खातों में ही यह राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दी जा रही है। तो ध्यान रखेंगे आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस योजना के तहत दी जा रही है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाई मानसिंह अस्पताल किस शहर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के अगर क्वेश्चन आने होंगे तो आ सकता है। देखिए क्यू न्यूज में रहा है, ये नाम से आपको समझ में आ जा रहा है कि ये है तो जयपुर में। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट? क्यों? यहाँ COVID-19 के मरीजों को सेवा देने के लिए रोबोट का टेस्ट किया जा रहा है, इसलिए यह न्यूज में रहा है। तो अब न्यूज में है मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य के अध्ययन के लिए सनराइज मिशन की घोषणा की है। देखिए मिशन का नाम भी याद रखना है आपको, मिशन का नाम है सनराइज मिशन। ठीक है, ये किया जा रहा है नासा के द्वारा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी नासा। क्या है इसका उद्देश्य? है सूर्य से उत्पन्न होने वाले तूफानों का अध्ययन करना। तो तीन चीजें आपको याद रखने हैं, किसका अध्ययन करेगा ये? सूर्य में उत्पन्न होने वाले तूफानों का अध्ययन करेगा। किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। मिशन का नाम क्या है? सनराइज मिशन। किसके द्वारा किया जा रहा है ये? तो नासा के द्वारा किया जा रहा है। इतने फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री को हमेशा सत्ता में बने रहने का अधिकार दे दिया है? तो देखिए इसमें रूस और चीन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ के जो है प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ एक नियम आया है रूस का जहाँ ये 2036 तक वहाँ के प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। चीन के भी जो है उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। तो ये जो हुआ है हंगरी के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे हंगरी के प्रधानमंत्री हमेशा सत्ते पर बने रहने के लिए अधिकार दे दिया गया है उनकी संसद के द्वारा, यह अधिनियम पास किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं जीएस के क्वेश्चन, जिसके अंदर हम अभी जो है मिडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास हम कवर कर रहे हैं। देखिए विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया किसे प्रोत्साहित किया है? तो इन्होंने जो है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी तमिल तेलुगु और संस्कृत। ये तीनों ही भाषा को, विजयनगर के शासकों ने तमिल तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया था। साथ ही साथ एक और भाषा था कन्नड़, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन में नहीं है
पर कन्नड़ भी इसमें इन्वॉल्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा के महत्वपूर्ण, अच्छा गोवा के महत्वपूर्ण किले नहीं होगा, किले होगा, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय। ठीक है, गोवा को बहमनियों के समर्थन से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय था। इन्होंने 1377 ईस्वी में उससे बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई थी। ठीक है, इतना फैक्ट मत रखिए, आप ध्यान रखिएगा, बस ये नाम याद रखिएगा, हरिहर द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है, विजयनगर के थे। ठीक है, जनरली यहाँ से जब आना होता है मध्यकालीन क्षेत्रीय राजाओं से जब भी प्रश्न आता है तो ये जो कृष्णदेव राय और विजयनगर से ही आता है, ध्यान में रखेंगे इसे, अगर आप इसका डिटेल भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है कि कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो पुस्तक का नाम है अमुक्त माल्यद। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है बुक, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कृष्णदेव राय से संबंधित ये फैक्ट्स आपको हमेशा याद रखना ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? अच्छा, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को हम जो है देखिए इसको आज की डेट में हम कहते हैं हम्पी, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और विजयनगर से संबंधित और कृष्णदेव राय से संबंधित फैक्ट की बात करें तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु शासक का क्लासिक युग माना जाता है। इसका राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। याद रखेंगे अष्ट दिग्गज भी जो है कृष्णदेव राय के राज्य में ही रहते थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में, ये कौन सी भाषा में लिखी, हम जिस बुक की बात कर रहे थे अमुक्त माल्यद, ये जो है तेलुगु एवं संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, इतने फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए दोस्तों, आज हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उन्हें जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको सारे क्वेश्चन जो है लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए, कोरोना मरीजों के इलाज करते हुए डॉक्टर या कर्मचारी की मृत्यु होने पर दिल्ली सरकार ने कितना मुआवजा देने का ऐलान किया है? तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो 500 रुपए की। सवाई मानसिंह सरकारी अस्पताल किस शहर में है? तो ये है जयपुर में है। सूर्य के अध्ययन के लिए सनराइज मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नासा का। नासा का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट करके मुझे कमेंट बताइएगा। और कल ही मैंने इस चैनल पे जो है मार्च महीने के पूरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो डाला है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में मैं उसका एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री को हमेशा सत्ता पर बने रहने का अधिकार दे दिया है? दे दिया है हंगरी ने। विजयनगर के शासक ने प्रोत्साहित किया था तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? ये था हरिहर द्वितीय। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? विजयनगर के। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी, काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ आपको, अमुक्त माल्यद, ध्यान रखेंगे इसे। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? तो इसका नाम है हम्पी। चलो दोस्तों, अब देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सूफी आंदोलनों को और किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, सिलसिला। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, इसका आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। अब देख लेते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? आपके ऑप्शन है रामानंद के, संत एकनाथ के, कि संत तुकाराम, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और आप डेली मॉर्निंग में उठकर इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपने अभी तक मार्च माह के वीडियो को नहीं देखा है तो आप यहां पर क्लिक करके मार्च के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, थैंक यू।